हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम पोहे से झटपट बनने वाला बहुत ही कम तेल का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक कप पोहा लेंगे। ये रेगुलर पोहा है जो हम पोहा बनाने में यूज़ करते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। पोहे को धोने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पोहा अच्छे से फूल गया है। अब हम पोहे को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 कप सूजी, 1 कप दही। दही हमें फ्रेश लेना है, ज़्यादा खट्टे दही का यूज़ नहीं करना है। साथ में 1/2 कप पानी डालेंगे और अब हम इसे पीसकर इसका बैटर तैयार करेंगे। पीसते समय अगर आपको परेशानी हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी और भी डाल सकते हैं। तो बैटर हमने बना लिया है। अब हम बैटर को एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। साथ में मिक्सी जार में 2 से 3 चम्मच पानी को हिला कर लिया है, इसे भी इसी में डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम बैटर को 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब हम गैस ऑन करके पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1/4 कप ग्रेटेड गाजर, 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने पीस कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 2 मिनट केवल सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, केवल इसका हल्का सा कच्चापन चला जाए। 2 मिनट सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। 10 से 12 मिनट में बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसमें फ्राई की हुई सब्जियां डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 टमाटर जिसके बीज अलग करके हमने बारीक बारीक काट कर लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आधे बैटर को दूसरे बाउल में निकालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इनो। इनो को एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम तुरंत इससे नाश्ता बनाएंगे। गैस ऑन करके तवे को हमने गर्म कर लिया है। तवे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, हमें इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अब हम बैटर को तवे पर डालेंगे और इसे फैलाएंगे, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है। और अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 3 मिनट पकने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। ऊपर से नाश्ता ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे पलट देंगे और फिर से इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट बाद फिर से इसे चेक करेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से बाकी का नाश्ता बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम तेल में नाश्ता बनकर तैयार होता है। इससे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।